आज कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपको सुनवाते हैं। सुधार किए जाए, सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2023 में। डॉक्टर सोमनाथन साहब जो कि आपके सामने आज कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट के हिसाब से बैठे हैं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से इस कमेटी के चेयरमैन थे और इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया। एक्सटेंसिव कंसल्टेशन 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ कमिटी ने डिस्कशंस किए, कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमिटी ने इंटरेक्शन किया, उनके इस राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज, राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी ने अपने अपने इनपुट दिए, राज्य सरकारों के जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशंस थी उन सब ने इम्पोर्टेंस दी। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पर जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखना। इसीलिए इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स हैं वो भी देखा, फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेज, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस UPS का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एन्यूएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 years, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रोरेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए, ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकेंड पिलर इस UPS का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी
अमाउंट था उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपये पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटेंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंपसम पेमेंट एट सुपर एन्यूएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्यूएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंपसम एक अमाउंट तय किया गया। ये है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सम्रतन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये पांच पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉयज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा, वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी, तब तक इसके लिए जो भी सारे स्ट्रक्चर्स पोर्टल वोटल सब बनने होंगे, रूल्स रेगुलेशंस,
वो सारे बन जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ये स्कीम। और जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं एनपीएस में, उन सबको ये ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट पहले की तरह मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, जो कि बहुत बड़ी, वैसे भी मेडिकल रीइंबर्समेंट अभी भी पुराने ओपीएस के मेथड के टाइम से ही मिलता है, वो चेंज नहीं है। मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूंगा साथियों कि कांग्रेस की दो सरकारें जिन्होंने ओपीएस की घोषणा की, हिमाचल और राजस्थान, उन्होंने किस तरह से अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति एक तरीके से अनाउंस किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसमें कुछ नहीं किया। केवल अनाउंस करके एक भ्रम में रखना वो उनका काम था। इसके विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, आप देखो ये कंप्लीटली वेल थॉट थ्रू, एक्सटेंसिवली कंसल्टेड, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के, और साथ ही साथ इंटर जनरेशनल इक्विटी, आने वाली जनरेशन्स पे कोई एक्स्ट्रा भार ना पड़े, इसके लिए इस पूरी स्कीम को फुल्ली फंडेड स्कीम की तरह रखा गया है, जो आज हमारा इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा वो आज ही उसको फंड किया जाएगा, न कि हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट्स की तरह आज अनाउंस कर दो, बाद में भविष्य में क्या होगा उसकी कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि केंद्र सरकार और सरकारी कर्मचारियों के जो बहुत बड़े हिमायती बनते हैं, वैसी पॉलिटिकल पार्टियों का भी अगर हम इतिहास देखें तो वहां पर भी बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि जैसे त्रिपुरा में कई वर्षों तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही, उन्होंने कभी भी ढंग से टाइम पे कमीशन नहीं रखा। केरला में जब केंद्र सरकार ने 10% से 14% बढ़ाया गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, तब केरला की सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया। तो जन जन के हित की ध्यान रखना, एम्प्लॉयज के हित की ध्यान रखना, ये भावना और इस तरह की कार्यशैली केवल एनडीए सरकार की है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने इस महत्वपूर्ण फैसले से एक बार फिर आपके सामने इसी डिटर्मिनेशन को, इसी भावना को आपके सामने रखा है। मैं साथियों यहां पे ब्रीफिंग स्टॉप करूंगा और इसके बाद में आपके क्वेश्चंस लेंगे। I would just like to supplement one thing in addition to what the honorable minister has said. तो आज कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कई योजनाओं को लेकर, उन्हीं का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री यहां पर नजर आए। तो आपको बता दें बेसिक का 50% पेंशन मिलेगा, ये जो तमाम वो फैसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में आज लिए गए हैं, जिनका जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी आज की बैठक में दी गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है।